चलिए दोस्तों, भगवद गीता के दूसरे अध्याय को आसान शब्दों में समझते हैं। हमने पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग अर्थात अर्जुन के विषाद, उनके दुख, उनकी दुविधा के बारे में जाना था। इस अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की इस दुविधा का उत्तर दिया जाता है और इस अध्याय का नाम सांख्य योग है। इस अध्याय में अर्जुन की कायरता और उनके भ्रम को लेकर विश्लेषण है और यहीं से उस ज्ञान की शुरुआत होती है जिसके लिए भगवद गीता को दुनिया का महान ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है और उनकी आशा भी खत्म हो चुकी है, साथ ही साथ हिम्मत भी टूट चुकी है और ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें समझाना शुरू करते हैं। जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था वहां दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू और मन में निराशा है। ये एक बहुत बड़ी हैरानी की बात थी और धृतराष्ट्र और संजय इसकी आशा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे और अर्जुन का दुख देखकर श्री कृष्ण उनका उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस समय असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। युद्ध के समय ऐसी शंका, ये तो असमय है। दोस्तों, इस तरह अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा किस प्रकार कर सकते हैं? अपने कर्म से मोह मोड़कर किसी मोह या किसी और कारण से यदि हम हताश बैठ जाए तो वह ठीक नहीं है, इससे कभी कोई लाभ नहीं होता। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तुम युद्ध में आए हो तो युद्ध करो, ऐसे डरो मत। और तुम्हारे जैसे धनुर्धर के लिए ये सब ठीक नहीं है, यह सही नहीं है कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण यहाँ नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना और युद्ध से मोह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं, अर्थात जो धर्म कहता है उसके अनुसार तो कर्म करना ही चाहिए और स्वयं को कमजोर मानकर कार्य को छोड़ देना यह सही नहीं है। बुरे समय में जब हमें भी आशंका सताए तो यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़कर हमें उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ? दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन का कहना है, क्या ये सुनने में गलत नहीं लगता है कि जिनसे उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ सीखा है उन पर वे बाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का तो यही कार्य है। बाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। जब वो चलता है तो प्राण लेने के इरादे से चलता है, जिसे करने में अर्जुन इस समय असफल हो रहे हैं। अर्जुन की दुविधा गलत प्रतीत नहीं होती है जब वे ऐसा कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूं उसका क्या ही मतलब है। अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ वभोग, धन धान्य, ऐश्वर्य ये सब तो मैं प्राप्त कर लूंगा, परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा? दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी न छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु ये तो संभव नहीं। अर्जुन कहते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या न करना इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, विधि ने क्या विधान लिखा है इसके बारे में कोई नहीं जानता है, परंतु वर्तमान में जो हम करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है और हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में है। तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार करना चाहिए? इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित और कल्याणकारी हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ।
दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे उलझन का भाव हमारे अंदर आ जाता है। अर्जुन भी यही मान रहे हैं कि वे उलझन में हैं और कायरता का दोष वे अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी वे कहते हैं कि श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मुझे ये बताइए कि क्या सही है। दोस्तों, दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए और खुलकर अपना भय, अपनी शंका सामने रख देनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तभी तो हमें मार्गदर्शन मिलेगा। इसके आगे अर्जुन कहते हैं, जीतने के बाद उन्हें जमीन मिल जाएगी, धन धन्य प्राप्त होगा, नाम होगा, परंतु ये सब मिलने के बाद उनका यह दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता, और उससे भी बड़ी बात, अगर आप दुख में हैं तो जब तक आप उसका उपाय ढूंढ नहीं लेते, आपको दुनिया का कोई भी सुख आराम नहीं दे पाता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। यानी निद्रा हमारी प्राकृतिक आवश्यकता है, इस पर दुनिया में कोई भी विजय नहीं पा सका है, परंतु अर्जुन को इतना महान योद्धा माना जाता था कि उन्होंने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, और वही अर्जुन अपनी निद्रा से तो नहीं लेकिन अपने मोह, अपने डर से हारते हुए दिख रहे हैं। किस समय कौन सी कमजोरी हम पर हावी हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अर्जुन अपनी इस दुर्बलता को हराकर आगे बढ़े थे, और ऐसा ही हमें भी प्रयास करना चाहिए। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है, और स्वाभाविक भी है कि एक पिता होने के नाते वे दुर्योधन को जिताना चाहते थे। वे युद्ध में भाग तो नहीं ले सकते थे, किंतु युद्ध की हर बात जानना चाहते हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते अर्जुन हैं, और उनके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण हंसते हुए उनको ये कह रहे हैं कि एक तरफ रोता हुआ कमजोर डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन, और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी कृष्ण है। शायद इसीलिए श्री कृष्ण को छलिया भी कहते थे। रोते हुए के सामने भला इस तरह से कौन हंसता है, और वे इसलिए हंसते थे क्योंकि उनको जो पता था वह किसी को नहीं पता था। दोस्तों, श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहाँ से आरंभ हो रहा है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम न शोक करने योग्य मनुष्यों के शोक करते हो और पंडितों की तरह मुझसे बातें करते हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। वे अर्जुन से कहते हैं, तुम न पंडितों की तरह बातें कर रहे हो और न ही ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। जो पंडित और ज्ञानी होते हैं वो किसी के मरने पर या जीवित रहने पर शोक नहीं करते हैं, अर्थात इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं था, बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते हैं, और समय का खेल चलता रहता है। दोस्तों, ये बात अर्जुन और हम जैसे दुनियादारी में फंसे लोगों को समझना या समझाना मुश्किल है, और इसी में से श्री कृष्ण हमें बाहर निकालना चाहते हैं। काल का फेर तो चलता ही रहता है। हर काल में हमारे जैसे, अर्जुन के जैसे और श्री कृष्ण के जैसे लोग होते हैं, और आने वाले समय में भी तीनों तरह के लोग होंगे, और ऐसा ही खेल फिर से होगा। श्री कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालक उत्पन्न, बचपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलता रहता है, वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वह अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वह दिखे या न दिखे, आप उसे महसूस करें या न करें, जब बदलाव नियम है तो ऐसे नियम के लिए दुखी क्यों होना, और जो नहीं बदलता उसे आत्मा कहते हैं। दोस्तों, आत्मा की परिभाषा को समझें कि शरीर तो बदलता है लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती है। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुहक को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं, वो सर्दी गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं।
हमेशा नहीं रहते हैं। हमारी इंद्रियों और उनके विषयों से जुड़कर हमें भूख, नींद, सुख दुख, सुकून और बेचैनी जैसी भावनाएं आती हैं, लेकिन यह सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली है। परंतु जो खत्म नहीं होता उसे आत्मा कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुहक सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जो व्यक्ति सुख दुख बराबर समझे, जो दोनों हालातों में समान रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। आपकी जितनी भी आयु हो, एक बार जीवन में पीछे मुड़कर देखिए, न जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे। कभी बहुत खुशी हुई होगी और कभी किसी के जाने या किसी नुकसान से आप बहुत दुखी भी हुए होंगे, और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा। ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि जीवन में ऐसे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, एक ही भाव कभी रुक कर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य सिर्फ सत्य का ही है, और समझदार लोग इस बात को समझते हैं। जिसका आना जाना लगा रहे उसके लिए कोई क्या शोक करे। सुख गया तो दुख बिल्कुल दरवाजे पर आने के लिए तैयार खड़ा है। एक के लिए दुख करेंगे तो जल्द ही आने वाली दूसरी अच्छी खबर के लिए खुश होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को समझे तो पाएंगे कि ये दोनों भाव झूठे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं। मूल्य सिर्फ आत्मा का है, जो निरंतर है और वही सत्य है। नाश्रहित तो तुम उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्यवत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि स्थाई सिर्फ वही है, जिसमें ये पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है, सिर्फ ये सच्चाई ही हमेशा के लिए है। इस बात को समझने में मुश्किल आ सकती है और ऐसा भी लग सकता है कि समझ नहीं आई है, लेकिन इसको समझे बिना कोई हल भी नहीं है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब ये आत्मा बाहर है तो जो दुनिया हमें दिखती है वो भी इसी में समाई हुई है। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा, जो मरती नहीं है। बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारा भाव है, जो मर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो, क्योंकि ये आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं। इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है, और महापुरुष इसी आत्मा को समझने के लिए पूरा जीवन समाधि और संन्यास में बिता देते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है और वही सच्चाई है, तो शोक किस बात का करना। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते सच्चाई को, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। इसका तात्पर्य है कि आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सत्य है, बाकी कुछ नहीं। ये तो अज्ञान ही है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या हम किसी को मार देंगे। लोग अपने अहंकार में समझते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ कर चुके हैं, ये सिर्फ उनकी अज्ञानता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेती है और न ही मरती है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मरती नहीं है। आत्मा हमेशा रहती है हर काल में, बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और कल हमेशा ही रहेगी। दोस्तों, गीता की सबसे गंभीर बात का यह मूल है, जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तब भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है, वो पुरुष किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है। इस बात को समझने का मतलब है कि ब्रह्मरूपी सत्य को समझना, ब्रह्म को समझना। सत्य से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं, आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को, वह शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में जल के फिर से मिट्टी हो जाएगा। महत्व हमें अपनी आत्मा को देना है, जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी।
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अर्थात आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। पुराने कपड़े के फट जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है, वैसे ही अलग अलग कारण से जब मृत्यु होती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे नए शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है परंतु आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तब उसकी सांसें रुक जाती है और आत्मा अपने घर को छोड़ दूसरे घर में चली जाती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। आत्मा कोई वस्तु नहीं जो जल जाए, कट जाए या सूख जाए। आत्मा के इसी स्वरूप को श्री कृष्ण समझा रहे हैं, जैसे कपड़ा फटता है गल जाता है, उसी तरह से आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल होगी। उस आत्मा को दुनिया की किसी चीज से मत तोलिए। आत्मा किसी के भी जैसी नहीं, उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं है। आत्मा अपने आप में विरली और अनूठी है, ये हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। यह आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेड़ा नहीं जा सकता है। यह आत्मा अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता है। अक्लेद्य है अर्थात गीला भी नहीं किया जा सकता है और निसंदेह अशोष्य है अर्थात इसे सुखाया भी नहीं जा सकता है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाली और सनातन है। दोस्तों, सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वही आत्मा भी है। श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि हम जो नाशवान है अर्थात हमारा जो ये शरीर है, इस पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए और आत्मा को समझा जाए, जिसका नाश नहीं हो सकता, तभी हमें मुक्ति मिलनी संभव हो सकती है। वरना मोह और दुविधा में हम हमेशा फंसे रह जाएंगे, जैसे कि अभी अर्जुन फंसे हुए हैं और अपना कर्म करने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है अर्थात इसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं और समझा नहीं सकते। इसको अचिंत्य कहते हैं, इसको सोच भी नहीं सकते। यह आत्मा विकार रहित है, इसमें कोई कमी भी नहीं होती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि हम इसे अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। ये इंद्रियां दुनिया के लिए हैं, जिनसे हम दुख सुख गर्मी सर्दी खाना पीना महसूस करना आदि जैसी भौतिक क्रिया करते हैं। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा का ये ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन जिनके लिए शोक कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम आत्मा को सदा जन्म लेने वाली और सदा मरने वाली समझते हो तो हे महाबाहो, तुम इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो। दोस्तों, अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाली और मरने वाली समझते हैं तो भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की तरह ही जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते हैं तो भी युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं एक के बाद दूसरे का होना, तो फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ उसका मरना तो निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। श्री कृष्ण यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि न जाने हम कितनी बार उन बातों के लिए शोक करते हैं जिसका होना तय है। ये समझदारी नहीं है, जो तय है वो तो होकर ही रहेगा और जो होगा ही उसके लिए शोक करके अपने आप को कमजोर बनाने की क्या आवश्यकता है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? हमारा होना किसी का भी होना उनके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है, तो फिर शोक किसके लिए करना? अचानक से एक जन्म होता और जब कोई नहीं था तो वह खिलखिलाता खुशियां लेकर जीवन लाता है, लेकिन उसके साथ किसी के जाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अच्छे के लिए खुशियां मनाते रहे और बुरे के लिए शोक मनाते रहे। जीवन के सत्य को हमें मानना पड़ेगा।
कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य के भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य के भांति वर्णित करता है तथा दूसरा कोई आधिकारिक पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। इसका मतलब है कि आत्मा को समझना बेहद मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा और हम में से ऐसे कई होंगे जो सुनकर इस बात को समझ नहीं पाएंगे। बात पर गौर कीजिए कि कितनी बार ज्ञान की बात सुनते हैं और थोड़ी देर बाद ही अपनी मोह माया की जिंदगी में फिर से व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मोह माया से निकलना चाहते हैं तो आपको इस आत्मा को समझना पड़ेगा। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अवध्य का तात्पर्य है कि आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही सच है, तो तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि आत्मा को समझा कैसे जाए। इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी कार्य को करने का निर्णय ले लिया है, फिर उससे डरना नहीं चाहिए, पूरे तन मन से उस काम को करने के लिए जुट जाना चाहिए। ज्ञान ये है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का मतलब है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। दोस्तों, युद्ध या चुनौती को खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खुशी है। श्री कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। हमारे लिए भी ये बात ऐसे सही है कि हमारे जीवन में भी जब कोई चुनौती आती है तो उसे मोक्ष का द्वार मानकर उसे पूरा करने में जुट जाना चाहिए। क्षत्रिय वह है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए। अगर आपकी कामना, आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है, तो आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए। किंतु यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अगर हमने अपनी चुनौतियों को स्वीकार नहीं करा तो उसके बदले में सिर्फ पाप ही मिलेगा। हमारा स्वभाव हमें युद्ध करने की क्षमता शक्ति को पैदा करता है, और यदि हमारा स्वभाव हमें युद्ध से दूर ले जा रहा है, इसका मतलब हम अपने धर्म से दूर हो रहे हैं और पाप के भागी हो रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अकीर्ति का चिंतन करेंगे, और सम्मानीय पुरुष के लिए अकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। इसका तात्पर्य है कि अगर युद्ध करने से अगर मना कर दिया तो इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगों की भीड़ में अगर आप जाते हैं तो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, और दूसरी स्थिति में अगर कहीं आप जाते हैं तो लोग आपको अपमान की दृष्टि से देखते हैं। आपको क्या स्वीकार है, यश या कीर्ति? श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी दृष्टि में तुम बहुत पहले सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगे, वे महारथी तुम्हें तुम्हारे भय कारण तुम्हें युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। दोस्तों, अर्जुन को सभी महान योद्धा समझते थे। अगर अर्जुन युद्ध से हट जाते तो वे सब उन्हें कायम मानते। चाहे अर्जुन हो या हम, युद्ध से हटने में बहुत अपमान होता है। अच्छा या बुरा, छोटा या महान, सब तुलना का खेल है। इस खेल में हार जीत तो होती ही है। इसके अलावा युद्ध में कौशल दिखाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और अगर कोई युद्ध से ही मोह फेर ले तो समाज में उसे कहीं जगह प्राप्त नहीं होती है। आपके बैरी और आपके शत्रु तो इसी अवसर में रहते हैं कि कब आपकी निंदा कर सके। युद्ध से भाग के उन्हें ऐसा मौका क्यों देना? हे अर्जुन, तुम्हारे बैरी तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने वाले वचन भी कहेंगे, उससे बड़ा दुख और क्या होगा? दोस्तों, जरा अपने चारों तरफ देखिए, ऐसे लोगों की भरमार होगी जो इस अवसर पर होंगे कि कब आपको नीचा दिखाया जाए, और यह अवसर अगर आप खुद ही उन्हें थमा देंगे तो सोचिए कि उन्हें कितनी खुशी होगी। फिर उन्हें हमें ये मौका देने की क्या आवश्यकता है? या तो तुम युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग के लिए प्राप्त होगे, या तो तुम युद्ध में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस कारण हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ।
दोस्तों, आज की दुनिया में इसी बात को सोच के देखिए, पूरे जी जान से खेलने पर आप हार जीत की चिंता नहीं करते क्योंकि आप अपना सब कुछ झोंक चुके होते हैं। जीतने पर नाम होता है और हारने पर भी आप अपने और दूसरों के मन में सम्मान पाते हैं, क्योंकि आपने धर्म के अनुसार युद्ध किया। इसलिए अपनी चुनौतियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन, तुम पाप को नहीं प्राप्त होगे। दोस्तों, अगर आप अपनी चुनौती में अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीतने पर तो सब कुछ मिलेगा ही, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा क्योंकि आपके पास जो भी था उसे आपने युद्ध में लगा दिया। अब इस स्थिति को बड़े ध्यान से देखिए। युद्ध में अपना सब कुछ लगा देने पर हार जीत का अंतर कम हो जाता है और यही तो श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि सुख और दुख को एक जैसा समझे और बस अपने कर्म में लग जाए। हे पार्थ, ये बुद्धि तुम्हारे लिए ज्ञान योग के विषय के लिए कही गई है और अब तुम इसको कर्मयोग के विषय में सुनो। दोस्तों, अब श्री कृष्ण कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके, नष्ट किया जा सके। ज्ञान सोचने और समझने की बात है और कर्म व्यवहारिक, ये दोनों तरीके अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हैं। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इसमें कर्मयोग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी भय से रक्षा करवा देता है। सबके लिए ज्ञान का, साधना का, साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्मयोग अपनाना चाहिए। अगर कर्मयोग को समझकर हम सब उस पर चल सके तो कभी निराशा नहीं होगी। अगर इस कर्म योग को हम थोड़ा सा भी समझ ले तो जन्म और मृत्यु के डर से बच सकते हैं। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले, विवेकहीन विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहां सोच की और फैसले की कमी हो वहां कई बुद्धियां कार्य करती हैं। दोस्तों, यहां अनन्या की स्थिति के बारे में कहा गया है। जब आप कोई फैसला नहीं ले पाते हैं तो न जाने कितनी ही दिशाओं में आपकी बुद्धि या ध्यान जाता है, लेकिन आप अगर निर्णय लेने का सोच ले तो फिर उस कार्य को करने का ही प्रण होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी और कोई वस्तु भी नहीं देखते, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में सिर्फ फल या लाभ की ही बात करते हैं। जब भी काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वह काम नहीं स्वार्थ हो जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें श्री कृष्ण कर्मफल का प्रशंसक बता रहे हैं। आप अकर्मी होने से बचिए। ऐसे लोगों को श्री कृष्ण धोबी बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा जो कहने वाले हैं वो अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्प अर्थात दिखावटी वाणी को कहते हैं, ऐसे लोग धोबी होते हैं। यानी वो लोग जो कर्म की बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में भोग या ऐश्वर्य जैसे लाभ मिल सके, वह सब उनका धोंग है। कई लोग आपको जरूर मिलेंगे जो जमीन पर इतना काम नहीं करेंगे जितना उसका बखान करेंगे। दोस्तों, ऐसे धोंगी लोगों से बचना चाहिए। जो लोग कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। यानी ऐसे लोगों का ध्येय स्वार्थ होता है, भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। इनकी लोगों की पहचान इनके नकारात्मक स्वभाव से, इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि काम में इनकी कोई रुचि नहीं है, बस उस काम का फल भोगने में इनको बहुत रुचि है। हे अर्जुन, वेदों के कर्म कांड हमारी प्रकृति के तीन गुणों से जुड़े हैं, इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्यवस्तु परमात्मा में स्थित योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यहाँ पर श्री कृष्ण अत्यंत कठिन लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वेद भी सिर्फ तीन गुणों में ही सीमित हो जाते हैं और उससे आगे वो भी नहीं जानते। उससे आगे कर्मयोग है। उनका कहना कि कर्म करो लेकिन उसमें आसक्त न हो और उससे जुड़े सुख दुख से लगाव न रखो।
बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से अगर जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ जगनित भयानक कोई, पोथी अर्थात वेद से ही आपको सफलता प्राप्त होगी, ऐसा सोचना गलत है। कर्मयोग तो उस बड़े तालाब की तरह है कि अगर ये मिल गया तो छोटे तालाब की जरूरत आपको क्यों पड़ेगी। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके सामने सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन आपको कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फलों के लिए कार्य बिल्कुल मत करो, और ऐसा भी न हो कि तुम कर्म ही न करो। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। दोस्तों, गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोक में इस श्लोक की गिनती होती है, कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म और कर्तव्य समझ कर करना है। श्री कृष्ण योग को और समझा रहे हैं, हे धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को करो। कर्म के फल की इच्छा मत करो, और ऐसा नहीं करना कि कर्म करने की इच्छा न हो। यही निष्काम कर्म की पूंजी, उसकी चाबी और उसका सार है। कर्म के बाद क्या फल मिलेगा उसकी परवाह किए बिना पूरी लगन से अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा करो। कर्म के फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्मयोगी होता है वो पाप और पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है, और इसीलिए वे कभी भी कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और यदि उन्हें फल मिल भी जाता है तो वे इसी फल में उलझ जाते हैं। इसलिए हमें बुद्धियोग की शरण में आना चाहिए, लगन सिर्फ कार्य में और भगवान में, तब बुद्धि अच्छे से कार्य कर पाती है। बुद्धियोग की शरण में आने से बिना फल के कार्य करने वाला इसी दुनिया में पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तुम समत्व रूप योग में लग जाओ, अर्थात अच्छा हो या बुरा हो, सुख हो या दुख हो, सभी में एक ही तरीके से संभाव से तुम बस अपना कर्म और कर्तव्य करते रहो। आम मनुष्य कर्म करके और उसके फल को प्राप्त करके खुश होता है, और उसके बाद दूसरे फल के लालच में अगले नए कर्म में लग जाता है। इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान है, और यही गलत बात है। अगर आप अपनी सारी क्षमता इच्छा कर्म में लगाए और फल को भूल जाए तो क्या होगा? आपका ध्यान कर्म में होगा, आप उस कर्म में बेहतर होंगे, आपकी तरक्की होगी। और रही बात फल की, तो सोच के देखिए, अगर आपने कर्म किया है तो फल जाएगा कहाँ? कर्म के फल का मोह हो या रिश्तों का मोह हो या धन या ऐश्वर्य का मोह, यही मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब भगवान के पास आने के द्वार खुल जाते हैं। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं है, लेकिन उनसे मोह बुरा है, क्योंकि जब आपका लगाव इन चीजों से हो जाता है तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं, इसलिए इस मोह को बुरा बताया गया है। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। युधिष्ठिर के द्युत मोह में ही उनका पूरा राज्य चला गया था। दोस्तों, ये उस समय की ही बात नहीं है, आप चाहे तो वर्तमान समय में भी कई उदाहरण देख सकते हैं। जितने लोग होते हैं उतनी किस्म की बातें होती हैं, और जितनी बातें होती हैं उतने तरीके से बुद्धि सोचती है। जब बुद्धि स्थिर होकर भगवान में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। बुद्धि का स्थिर हो जाना ही एकाग्रता कहलाता है। स्थिर होकर एकाग्रता से कुछ करने को समाधि की स्थिति भी कहते हैं, और अगर आपने एकाग्रता से कार्य किया हुआ हो तो वह काम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? दोस्तों, आप जरूर जानना चाहेंगे कि जो लोग अपने अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर पहुंचते हैं उनकी सफलता का राज क्या है। अर्जुन भी यही जानना चाहते हैं कि जो बुद्धि को स्थिर होकर एक जगह लगा देते हैं उनकी क्या पहचान है। श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भलीभांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। मोह, इच्छा, कामना छोड़ना ही आत्मा के पास आना है। जिसको संतुष्टि या शांति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वही अपनी कामना को त्याग सकता है।
दोस्तों, सोचिए कि आपको आपकी खुशी या शांति के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ सकती है। बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा न हो, अच्छा होने पर जो मन भी शांत रहे, खुशी से पागल न हो, गुस्सा, डर या प्रेम, जो सब कुछ एक ही भाव से एक ही जैसा देखता हो, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वही मुनि या योगी कहलाता है। अच्छी खबर में खुश हो जाना और बुरी में उदास, ये तो स्वाभाविक ही है। अगर किसी पशु को भी आप कुछ खाने के लिए देंगे तो वह खुश जाएगा और अगर खाना छीन लेंगे तो उस पशु को बुरा लगेगा। लेकिन इन सब से जो ऊपर उठ जाता है, इन सब अवस्थाओं में भी वह अपनी स्वयं की हालत नहीं बदलता, मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है, यानी कि वह मुनि या योगी कहलाने के लायक है। जिसमें लगाव नहीं है, शुभ हो या अशुभ, अच्छा हो या बुरा, जो दोनों को एक जैसे देखता है, वही अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग हालत में खुद को और अपनी बुद्धि को स्थिर रखा जाए, कैसे संयम और धैर्य से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं, वरना चारों तरफ या तो दुख की हाहाकार होगी या खुशी से लोग झूम रहे होंगे। कछुआ जिस तरह से सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इसका मतलब दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से बचकर रहना ही बुद्धि को स्थिर रखना है। अगर किसी के सामने आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखे तो क्या वो खुद को रोक पाएगा? किसी के सामने आप महंगे आभूषण रख दे तो क्या वह खुद पर नियंत्रण रख पाएगा? अगर इसको कोई संभव कर दे, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। आप स्वयं पर आजमा के देखें, अगर दुनिया की वस्तुएं आपको लुभा नहीं पाती तो आप अपनी बुद्धि को नियंत्रण में ले आएंगे। संभव है कि हम दुनिया के विषयों में रुचि न लें, इससे हम दुनिया से दूर तो हो जाएंगे पर दुनिया के प्रति आसक्ति नहीं जाती। कहने का मतलब है कि मन की इच्छा को खत्म करना है, आसक्ति खत्म करनी है। अगर ऐसा करना है तो ही बुद्धि स्थिर होगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आप दुनिया की वस्तुओं को न भी बोल देते हैं तो क्या आपका मन उन्हीं में लगा हुआ है? आसक्ति इच्छा खत्म करनी है, तभी तो मोह खत्म होगा, और मन के लगाव को ही मोह कहते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रिया प्रयास करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। श्री कृष्ण समझा रहे हैं, जहां आप अपनी इच्छा या आसक्ति खत्म नहीं करते, वहां इंद्रिया आपको अपने वश में कर लेती है। सोचिए कितनी ही बार ऐसा होता है कि सुख और दुख आपके वश में नहीं, बल्कि आप सुख और दुख के वश में हो जाते हैं। कभी हंसी नहीं रुकती तो कभी रोना नहीं रुकता, कभी भूख नहीं रुकती तो कभी नींद नहीं रुकती, और कभी कामवासना भी नहीं रुकती। इंद्रियों को वश में रख के जो भगवान को ध्यान में रख, जो अपने कर्म या कर्तव्य में जो ध्यान लगाता है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है, वह ईश्वर और अपने लक्ष्य के करीब हो जाता है। दोस्तों, अगली बार आप कुछ भी करें तो ये देखिएगा कि वो कार्य आपसे आपकी इंद्रियां करवा रही है या आपका कर्म वह करवा रहा है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। इंद्रियों के वश में न होना और उन्हें अपने वश में करने से ही आप अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे। विषयों के बारे में अर्थात इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और जब वह कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जिस तरह ज्यादा खाने से भूख बढ़ती है, ज्यादा सोने से नींद बढ़ती है, उसी तरह से जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं तो उसी में फंस के रह जाते हैं, और उसे ही आसक्ति कहते हैं। आसक्ति के बढ़ने को कामना कहते हैं, और कामना के पूरा न होने पर गुस्सा आता है, और तब आप अपनी समझ खो देते हैं, यानी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। जब सोच नहीं सकते तो याद भी नहीं रख सकते। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब याद नहीं रख पाएंगे तो ज्ञान किसी काम नहीं आएगा, बुद्धि बेकार हो जाएगी, और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। जो अपनी इच्छाओं को, अपनी आसक्ति को अपने नियंत्रण में रख पाते हैं, दोस्ती, शत्रुता, गुस्से या प्यार के बिना अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देते, वे अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों को बाहरी नहीं, हार्दिक और आंतरिक प्रसन्नता होती है। दोस्तों, आनंद, खुशी, शांति कहीं बाहर नहीं होती, वो तो हमारे अंदर होती है और हम उसे बाहर ढूंढते हैं।
इसलिए ऐसा कहा गया है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर अर्थात अंदर से प्रसन्न होने पर दुख खत्म हो जाते हैं और ऐसे प्रसन्नचित कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में ही भलीभांति स्थिर हो जाती है। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, प्रयास कीजिए कि उसे दुनिया में सबसे अच्छा कैसे कर सकते हैं और उसे पूरा करने में लग जाइए। फल का मत सोचिए कि लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं, बस उसे करते रहिए, फिर देखिए कि कैसी मानसिक शांति की आपको अनुभूति होती है। जो पुरुष अपने मन या अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाते, उनमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, यानी कि वे स्पष्ट और सटीक निर्णय नहीं ले पाते, ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावना रहित मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? बीमार आदमी के लिए क्या अच्छा खाना और क्या बुरा खाना, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। जो अंदर होता है वह बाहर आता ही है। जब आपके अंदर शांति नहीं होगी तब आप आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे हवा पानी में चलने वाली नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही विषयों में विचरती इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है, वह एक ही इंद्री इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अगर वह क्रोध में है तो वह और कुछ नहीं सोच पाएगा और अगर प्रेम में है तो उसे और किसी बात की सुध भी नहीं रहेगी। जिस भी इंद्री के वश में होगा उसे उसके अलावा और कुछ समझ नहीं आएगा। दोस्तों, इन इंद्रियों के नियंत्रण से निकलकर आप इन्हें अपने वश में करें, फिर देखिए कि आपके लिए क्या असंभव है, सब कुछ संभव हो जाएगा। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। यानी जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों और उनसे होने वाले विषयों पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, उसी की बुद्धि स्थिर है। और बुद्धि हमारा ध्यान ऐसी ऐसी जगह पर ले जाती है जहां पर हम उलझ के हमारा असली मकसद भूल जाते हैं। बुद्धि हमारी इंद्रियों को सहारा लेती है, इसलिए अगर बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी है तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए ये वह रात्रि के समान है। दोस्तों, श्री कृष्ण की यह बात गहरी है और समझनी पड़ेगी। जो सबके लिए रात है, उस रात में योगी परमात्मा के लिए और ज्ञान के लिए जागता है और साधना करता है, और जो सबके लिए सांसारिक सुख है, जिसके लिए संसार में हर कोई जागता है, वह सुख योगी के लिए रात के समान है। जब सब सोते हैं तो मेहनती बच्चा रात में जाग कर पढ़ता है और परीक्षा में वही अव्वल आता है। जैसे अनेक प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं, नदियां समुद्र पर कोई व्यवधान नहीं डालती, उसी तरह से स्थिर बुद्धि वाले पुरुष में सारी इच्छाएं सारे भोग समा जाते हैं और उसे विचलित नहीं करते। कई बार किसी के कहने पर आपको बुरा लगता है और आप अपना आपा खो देते हैं, इसका मतलब आपको अपने आप में नियंत्रण नहीं है। आपको ऐसा समुद्र बनना है जिसमें कोई भी नदी अर्थात किसी भी तरह की गाली या बुरे वचन आपको कभी विचलित नहीं कर पाए। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। कामना का इच्छा का त्याग करना है, उससे मोह नहीं रखना है, घमंड नहीं करना है, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहना है, ऐसे ही मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। कामयाब वही होता है जो परेशान हुए बिना अपनी धुन में अपने काम में लगा रहता है और सफलता उसी के ही पांव चूमती है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त कर कभी योगी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो पुरुष ऐसा करने में सफल होता है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ा सत्य, इससे आगे कुछ भी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो सारे लक्षण होते हैं, वे उन लोगों के हैं जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं।
स्वाभाविक है कि अगर हम भी इन बातों को अपने जीवन में उतार ले तो हम भी अपने लक्ष्य से कभी दूर नहीं रहेंगे। दोस्तों, तो ये था गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म को समझाया, उसके प्रति हमारे उत्साह को बढ़ाया और यह समझाया कि सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही अपना ध्यान रखें और किसी भी बात में नहीं। इसके बाद हम गीता का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।